गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने गूगल अकाउंट पर एक एक्स्ट्रा लेयर को ऐड कर सकते हो। यस गाइस मैं बात कर रहा हूँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस की या टू स्टेप वेरिफिकेशंस। तो गाइस अपने अकाउंट पर ये सिक्योरिटी को लगाना, इसको इनेबल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये ऐड कर ले तो इनेबल कर ले तो अपने गूगल अकाउंट को, तो उसको हैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको कोई हैक नहीं कर पाता है। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशंस को इनेबल कर लेते हो अपने गूगल अकाउंट पर, और आपका जो यूट्यूब चैनल है तो वो भी ज़्यादा सेफ हो जाता है, आपका गूगल अकाउंट सेफ हो जाता है, ईमेल आईडी वगैरह सब सेफ हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसको इजीली बहुत ही आसानी से कैसे इनेबल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली गाइज आपने अपना ब्राउजर को ओपन करना है, गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जो प्रोफाइल फोटो है उस पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो इस पर आप सेटिंग से भी आ सकते हो, अपने यूट्यूब से भी आ सकते हो, और अपने गूगल अकाउंट या प्ले स्टोर से भी आ सकते हो। तो काफ़ी सारे मेथड है इस पर आने के लिए मैनेज योर गूगल अकाउंट पर। तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ गूगल ओपन करके, तो मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे गाइज। आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ मिल जाएगा ऑप्शंस एक टू स्टेप वेरिफिकेशंस का। तो आपने सिंपली ये ऑफ है तो आपको उसको यहाँ से ऑन करना होगा, तो आप इस पर क्लिक करके टू स्टेप वेरिफिकेशन पर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा यहाँ पर। ये यहाँ आपको नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है अपने जीमेल अकाउंट का, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे अपना और मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आप अपने जीमेल अकाउंट से लिंक करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसी पर गाइज टू स्टेप वेरिफिकेशंस कोड जाएगा, वही कोड को डालना होगा आपको उसको वेरीफाई करने के लिए, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो नीचे कैसे आप कोड मंगाना चाहते हो, मैसेज के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा। तो यहाँ पर आप मैसेज सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैसेज के द्वारा हमको वो कोड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने डाला है उस पर कोड जाएगा, वो कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर नहीं गया है तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीसेंट का, आप इस पर क्लिक करके दोबारा मंगा सकते हो कोड अगर नहीं आता है आपके मोबाइल नंबर पर। हमारे यहाँ पर आ गया है गाइज ये, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो गाइज जो हमारे तीन स्टेप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर हमको टर्न ऑन पे क्लिक करना है, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट मैसेज डिफ़ॉल्ट और मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके आगे लिखा होगा वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो चुका है, आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो, पर मोबाइल नंबर जब चाहो आप चेंज कर सकते हो। तो टू स्टेप वेरीफिकेशन के लिए हमारा ये मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है यहाँ पर गाइज। अगर गाइज हम दूसरे डिवाइस पर अपना जीमेल अकाउंट गूगल अकाउंट को ओपन करते हैं, वहाँ लॉग इन करते, तो हमको इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको एंटर करना होगा तभी लॉग इन कर पाएंगे। तो ऐसे में गाइज दूसरा कोई भी ट्राई करता है आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस करने की, तो बिना OTP के वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिना वेरिफिकेशन कोड के वो आपका गूगल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब तक आप उसको गूगल अकाउंट नहीं देंगे, जब तक आप OTP नहीं देंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसका बेनिफिट्स ये होता है गाइज, तो आप इसको ज़रूर इनेबल कर लीजिए अपने गूगल अकाउंट पर। और भी यहाँ पर गाइज सिक्योरिटी मिल जाती है आपको, बैकअप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, सिक्योरिटी की ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर गाइज आप ऑथेंटिकेशन ऐप पर भी यूज़ कर सकते हो उसको। आप एक ऐप को यूज़ कर सकते हो वेरिफिकेशन कोड पाने के लिए, जब भी आपका ऑफलाइन होगा फ़ोन, या ये दोनों के लिए अवेलेबल है गाइज ऑथेंटिकेटर ऐप एंड्रॉयड और आईफोन के लिए। ठीक है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो अपने टू स्टेप वेरीफिकेशन के लिए, और गाइज आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो यहाँ टर्न ऑफ पर क्लिक करके। तो इस तरीके से गाइज टू स्टेप वेरीफिकेशन हमारा जो है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो ये ऑन यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से हम टू स्टेप वेरीफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी। गाइज वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। गाइज मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।